ربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم لا إله إلا الله किसने दी नन्हे मुन्ने पौधों को गुलशन में जवानी किसने दी जो यकता है कुदरत में वो है मेरा सारी
दरबार ऐसा किसी भी साय को टाला
God.
मीरा मेरी लाज रख नहीं सुनी अर्ज मेरी सुल्ताना मैं बैठी रहना वो अमल के अज बैठी रहना वो अमल के तो उठ के निखारे जाना या शाहे जिला लाज रख नहीं सुनी अर्ज मेरी सुल्ताना साईं बाबा दाए बेड़ा भरिया देखो साईं बाबा दाए बेड़ा भरिया जेड़ा अज ते आया हो दरिया जी बस जेड़ा अज ते आया हो दरिया हर लम्हा हर घड़ी दुआ है मेरी मेरा करम की भीख मिले तो हयात बनती है हुजूर आप नवाजे तो बात बनती है रुखे हुजूर का सदका ये दिन चमकता है फिर आपकी जुल्फों के साए से रात बनती है जिसे वसीला बनाया तमाम नबियों ने उसे वसीला बनाओ तो बात बनती है हुजूर आप नवाजे तो बात बनती है मौजूद हाजरीन खत्मे नबूवत इतना नाजुक मसला है अगर कोई बंदा नमाज नहीं पढ़ता तो वो गुनाहगार है बेईमान नहीं है अगर कोई बंदा जकात नहीं देता बेईमान है वो गुनाहगार है बेईमान नहीं है अगर कोई बंदा अरकान इस्लाम पूरे नहीं अदा करता वो गुनाहगार है बेईमान नहीं है लेकिन खत्मे नबूवत इतना नाजुक और अहम मसला है अगर कोई बंदा इतना कह दे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी आ सकता है तो वो फौरन बेईमान हो जाता है काफर हो जाता है दारा इस्लाम से खारिज हो जाता है या बंदा इतना कह दे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसी और नबी आ जाने से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्मे नबूवत पे कोई फर्क नहीं पड़ता तो फिर भी वो बेईमान हो जाता है काफर हो जाता है दारा इस्लाम से खारिज हो जाता है। अल्लाह करीम ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकि रसूलल्लाहि व खातमुन नबियीन व कान अल्लाहु बिकुल्ली शैइन अलीमा और ये मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम मर्दों में से किसी के बाप नहीं हैं लेकिन वो अल्लाह के रसूल और आखिरी नबी हैं और अल्लाह खूब जानने वाला है। हजरत ये उस मालिक कायनात की बात है जो तमाम अलूम का जानने वाला है हर चीज का कादिर है। हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया या रसूल अल्लाह आप किस किस के नबी हैं इसका इरशाद अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया और ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया और हमने तो आपको तमाम इंसानों के लिए नबी बनाकर भेजा फिर फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन और हमने आपको तमाम जहानों के लिए रहमतल लिल आलमीन बनाकर भेजा। अब अल्लाह ताला ने जितने भी आलमीन बनाए हैं उसमें सूरज चांद सितारे कीड़े मकोड़े चिरिंद परिंद इंसान फरिश्ते जिन जिस जिस का मेरा अल्लाह रब्बुल आलमीन है उस उसका मेरा नबी रहमतल लिल आलमीन है। हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी खत्मे नबूवत को का कैसे दिफा फरमाया जब मुसैलमा कज़ाब ने नाउज बिल्ला नबी होने का झूठा दावा किया तो उसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खत लिखा
कहता है कि आधे अरब का मुझे नबी तस्लीम कर लिया जाए और आधे अरब के आप, या नाउज बिल्ला आपके वसाल शरीफ के बाद मुझे नबी तस्लीम कर लिया जाए। इस खत का जवाब देना जरूरी था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब लिखा और सहाबा की कुल जमात से फरमाया कि इस खत का जवाब उसके दरबार में कौन लेके जाएगा। एक बूढ़े सहाबी हजरत हबीब बिन जैद रजी अल्लाह ताला अन्हु खड़े हुए, या रसूलल्लाह ये खत उस मालूम के दरबार में मैं लेके जाऊंगा, किसी और की ड्यूटी ना लगाइएगा। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे अपना घोड़ा मुबारक अता फरमाया और नेजा मुबारक अता फरमाया और फरमाया उस गुस्ताख के दरबार में जरा डट के जाना। हजरत हबीब बिन जैद रजी अल्लाह ताला अन्हु बूढ़े साहबी थे, रजी अल्लाह ताला अन्हु बूढ़े साहबी थे, लेकिन जब मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने थपकी दी तो वो ऐसे चले जैसे किसी जवान फौज का जनरल चलता है। आपने जाते ही उस गुस्ताख के दरबार में नेजा जमीन पे गाड़ा तो उसने पूछा कौन हो तुम? आपने फरमाया हम चेहरों से पहचाने जाते हैं, हम रसूलुल्लाह के सच्चे नबी के सच्चे गुलाम हैं। तो उसने कहा कैसे आए हो? आपने फरमाया तेरे खत का जवाब लेके आया हूं। उसने दरबारी को दिया तो दरबारी ने खत पढ़ना शुरू किया तो जैसे ही उसने पहला लफ्ज सुना कजाब, मुसलमा कजाब, और नीचे लिखा था कि जमीन अल्लाह की है जिसे चाहता है वारिस बना देता है, वो कजाब का लफ्ज सुनते ही आग भुगुला हो गया और कहता है कि तेरे नबी ने मुझे कजाब कहा है, तेरा इस बारे में क्या ख्याल है? तो हबीब बिन जैद रजी अल्लाह ताला ने फरमाया जिसको मेरा नबी कजाब कह दे वो कजाब ही होता है। उसने कहा पीछे मुड़ के देख, मेरी फौज एक इशारे की मुंतजर है, मेरे एक इशारे पे तेरा सर कलम कर देंगे। आपने फरमाया मेरे 12 बच्चे हैं, उनमें से अभी कुछ दूध पीते हैं, मैं जब घर से चला था मैंने उनकी तरफ नहीं देखा था, तेरे पहरेदारों को क्या देखूंगा। तो उसने आपका एक बाजू शहीद कर दिया, फिर दूसरा बाजू शहीद कर दिया, फिर कहते हैं अपना बयान बदल ले वरना मैं तेरा सर कलम कर दूंगा। आपने फरमाया तू हमें डराता है, हम वो हैं जो फजर की नमाज के बाद ये दुआ करते हैं या अल्लाह मैदान जंग में शहादत की मौत देना, बिस्तर पे मौत ना देना। तो आप उसने आपकी गर्दन मुबारक पे तलवार चला दी और आपको शहीद कर दिया। इधर मदीना मुनव्वरा में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों मुबारक से आंसू जारी हो गए और आपने फरमाया मेरे हबीब बिन जैद को शहीद कर दिया गया। और साथ ही साथ आपने खत्मे नबूवत का दिफा करने वालों का अजर भी अता फरमाया। आपने फरमाया अल्लाह ताला ने तमाम जन्नतों के दरवाजे मेरे हबीब बिन जैद रजी अल्लाह ताला अन्हु की तरफ खोल दिए हैं। हजरत जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजारी मसाल शरीफ हो गया उसके बाद अबू बकर सदीक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने मुसलमा कजाब के खिलाफ जहाद का ऐलान फरमाया और जमा बिन सैफ के साथ उसका खात्मा फरमाया। और आपने ऐलान फरमाया कि आज बदरी भी जाएंगे, हुनैनी भी जाएंगे, बच्चे भी जाएंगे, बूढ़े भी जाएंगे। हालांकि बदरी और हुनैनी वो सहाबा थे जिनके बारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था अभी ये किसी जंग में शामिल नहीं होंगे, लेकिन मसला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्मे नबूवत का था, हजूर की नामोज का था, इसलिए सदीक अकबर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने सहाबा की कुल जमात को हुक्म फरमाया कि वो जंगे जमामा के मुकाम पे पहुंचे और मुसलमा कजाब के खिलाफ ऐलान जंग किया और उसका खात्मा किया। उसके बाद नबी अल्लाह ताला ने 100 से ज़ायद आयात कुरान करीम की अकीदा खत्मे नबूवत को बयान फरमाती हैं। एक आयत में जब मुसलमा कजाब ने नबी होने का दावा किया तो इसका जवाब अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया और वो इससे बढ़कर जालिम कौन है जो अल्लाह की तरफ झूठ बांधे और कहे कि मेरी तरफ वही की गई है हालांकि उसकी तरफ कोई वही नहीं की गई। और हजरात 200 से ज़ायद अहादीसे मुबारका अकीदा खत्मे नबूवत को बयान फरमाती हैं। पहली है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरे बाद 30 झूठे कजा पैदा होंगे जो नबी होने का दावा करेंगे लेकिन मैं अल्लाह का आखिरी नबी हूं, मेरे बाद कोई नबी नहीं आ सकता। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु से फरमाया ऐ उमर अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो वो तू होता। फिर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु से फरमाया
اے علی تیری مثال میرے ساتھ ایسے ہی ہے جیسے موسیٰ کو ہارون علیہ السلام کے ساتھ، لیکن فرق یہ ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، اب نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ختم نبوت کو ایک مثال کے طور پر سمجھایا، فرمایا کہ جیسے ایک خوبصورت عمارت بنائی گئی ہو، اس میں ایک اینٹ کی جگہ خالی چھوڑ دی گئی ہو، دیکھنے والا اس کی تعریف کرتا ہے کہ یہ عمارت کتنی خوبصورت ہے، لیکن اگر اس میں یہ ایک اینٹ بھی لگا دی جائے تو اس کی خوبصورتی اور دوبالہ ہو جائے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جب نبیوں کی حسین عمارت کو بنایا تو اس میں ایک اینٹ خالی چھوڑ دی تھی، وہ میرے آنے سے پوری ہو گیا، میرے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ حضرات اسی طرح یمن میں جب اسود انصاف قذاب نے نبی ہونے کا جھوٹا دعویٰ کیا تو ابو مسلم خولانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے خلاف اعلان جنگ کیا۔ اسود انصاف کی فوج نے ابو مسلم خولانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرفتار کر لیا اور پکڑ کے آپ کے اس کے دربار میں لے گئے، تو اس نے کہا تو گواہی دے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، آپ نے فرمایا میں نے سنا ہی نہیں۔ اس نے تین دفعہ کہا کہ تو گواہی دے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، آپ نے فرمایا میں نے سنا ہی نہیں۔ اس نے کہا تو گواہی دے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول اور نبی ہیں، آپ نے فرمایا ہاں میں گواہی دیتا ہوں، ہاں میں گواہی دیتا ہوں، ہاں میں گواہی دیتا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول اور آخری نبی ہیں۔ اس نے کہا تو بڑا جھوٹا ہے، تو بڑا تیز ہے، میری دفعہ تجھے سنائی نہیں دیتا، اپنے نبی کی دفعہ تجھے سنائی بھی دیتا اور تو گواہی بھی دیتا ہے۔ اس نے کہا اس کو آگ میں پھینک دو، تو وہ پکڑ کے آگ میں لے گئے اور ان کو آگ میں پھینک دیا۔ آپ ڈیڑھ سے دو گھنٹے آگ میں رہے لیکن آگ نے آپ کو نہیں جلایا، حتیٰ کہ آپ کے کپڑوں کو بھی نہیں جلایا۔ تو انہوں نے سوچا کہ اس طرح اس کے یہاں رہنے سے تو ہمارا جھوٹ پکڑا جائے گا، انہوں نے آپ کو ملک در بدر کر دیا۔ تو جیسے ہی آپ مدینہ شریف پہنچے تو وہاں پر آپ کا ملنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی نور بصیرت سے پہچان لیا کہ یہ وہی شخص ہے جو ختم نبوت کو بچا کے آیا ہے، تو آپ نے اس کا استقبال کیا، اس کو گلے لگایا اور اسے فرمایا آؤ میں تجھے اس ہستی کے پاس لے چلوں جس کا مقام نبیوں کے بعد ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں وہ اسے لے کے گئے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اٹھ کے کھڑے ہو کے اس کا استقبال کیا اور اس کی پیشانی پہ بوسہ دیا اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان میں بٹھایا، اور حضرت ابو مسلم خولانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ یا صدیق اکبر آج آپ میرے لیے دعا فرمائے، تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نہیں، آج ہم تیرے لیے دعا نہیں فرمائیں گے، آج تو میرے لیے دعا فرمائے گا تاکہ لوگوں کو پتا چل جائے کہ ختم نبوت کا دفاع کرنے والے کا اجر، اس کی عظمت کیا ہے۔ حضرات امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتویٰ ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی ہونے کا دعویٰ کرے اور جو بندہ اس سے کوئی معجزہ طلب کرے وہ بندہ بھی کافر ہو جاتا ہے۔ آپ کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا حضرت صاحب ایک بندے نے نبی ہونے کا جھوٹا دعویٰ کر دیا ہے، کیا میں اسے جھوٹا ثابت کرنے کے لیے اسے کوئی دلیل طلب کروں؟ آپ نے فرمایا خبردار، جس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا ہے وہ بندہ تو کافر ہے ہی، جو اسے دلیل طلب کرے گا وہ بھی کافر ہو جائے گا۔ آپ سب نے پیر میرے علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا مناظرہ سنا ہے، آپ نے اس قذاب سے فرمایا تھا کہ دریائے راوی مینارے پاکستان سے گزرے، دوسرا انہوں نے فرمایا تھا کہ تو بھی قلم رکھ میں بھی قلم رکھتا ہوں، جس کا قلم چل گیا وہ سچا۔ پھر فرمایا تھا ایک لڑکی ہو جو کنواری ہو، جس کی شادی نہ ہوئی ہو، وہ فوراً بچہ پیدا کرے۔ چوتھا انہوں نے فرمایا تھا یا تو تو شیر بن کے مجھے کھا جا یا میں تجھے شیر بن کے کھا جاتا ہوں۔ تو ہمارے ایک صاحب نظر پیر بھائی ہیں، پیر مرشد کی نظر کرم سے انہوں نے پیر میرے علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ سرکار جب امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتویٰ موجود تھا تو آپ نے اس کانے دجال سے دلیلیں کیوں طلب کی؟ تو آپ نے فرمایا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتویٰ موجود ہے اور میں بخوبی جانتا ہوں، لیکن
मुझे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म बरकता था, क्योंकि उस वक्त हालात इतने पेचीदा थे, अगर मैं दलीलें तलब ना करता तो बहुत सारे लोग अपने ईमान से हाथ धो बैठते। लेकिन मेरे लिए और आपके लिए जो हुक्म है कि हमने दलील पे नहीं जाना, जो बंदा नबुवत का झूठा दावा करे हो सके तो उसकी गर्दन उड़ा दो, अल्लाह तौफीक दे उसकी गर्दन उड़ा दो। हजरत, आज हमारे पाकिस्तान में जो मसला है वो ये है कि अमेरिका और बरतानिया पाकिस्तान में जिसको भी गवर्नमेंट देते हैं वो उससे दो शर्तें मनवाते हैं। पहली ये कि आपने खत्म नबूवत पे डाका डालना है, कादियानियों को मुसलमान करार दिलवाना है। दूसरा ये कि गंदम का खात्मा करना है ताकि लोग भूख अफराद से अपना ईमान बेचने पे मजबूर हो जाएं। लेकिन इस सारे मामले में हम सब पे जो ड्यूटी फर्ज होती है कि हमने खत्म नबूवत का दिफा करने वाली जमात तहरीके लबैक पाकिस्तान को वोट देना है। हजरात, जब नवाज शरीफ की गवर्नमेंट थी, नवाज शरीफ की गवर्नमेंट ने 70 सफे खत्म नबूवत के खिलाफ लिखे, और जब चोरी पकड़ी गई तो कहता है कि टाइपिंग की मिस्टेक हो गई, 70 सफों में तुझे पता ही नहीं चला टाइपिंग की मिस्टेक हो गई। उसके बाद इमरान, और इसके बाद कहता है कादियानी हमारे भाई हैं, अगर कादियानी तेरे भाई हैं तो जिन्होंने जंगे जमामा में 1200 साहबा ने अपनी जानों का नजराना पेश किया वो तेरे क्या हुए थे, वो तेरे दुश्मन हुए थे। उसके बाद इमरान खान की गवर्नमेंट आई, इमरान खान भी इसी एजेंडे पे काम कर रहा था, लेकिन आखिर पे पीर मुर्शिद ने फरमाया उसकी उसके पल्ले में एक नेकी है कि उसने तहरीक लबैक या रसूल अल्लाह को बहाल किया है जिससे उसकी निजात हो जाएगी। लेकिन हजरात, आज हमारे जुम्मे ये है कि हम तलवारों के साथ जहाद तो नहीं कर सकते, हम गवर्नमेंट से टक्कर नहीं ले सकते, लेकिन हमारे पास एक वोट की ताकत है जिससे हम अपना हिस्सा डाल सकते हैं। हम वोट तहरीक लबैक को देकर हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हशर वाले दिन जब शफात लेने जाएंगे तो कम से कम ये कह सकेंगे या रसूल अल्लाह गुनाहगार है, बेअमल है, बदअमल है, लेकिन या रसूल अल्लाह एक ही अच्छा काम है कि हमने आपके गुस्ताखों को वोट नहीं दिया, हमने आपके खत्म नबूवत के नाम पर आपके नाम पे आपकी नमूस की खातिर वोट दिया है। हजरात, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हशर वाले दिन सारे नबी सारी उम्मत मेरे दर पे आएगी और शफात के लिए झोली फैलाएगी, उनमें इब्राहिम अलैहिस्सलाम भी होंगे, मैं उनकी शफात करूंगा। लेकिन खत्म नबूवत के गद्दारों कादियानियों के यारों की शफात नहीं होगी, इसीलिए आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया है आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर ना मानेंगे क्यामत में अगर तू मान गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं कबीरा गुनाह करने वालों की भी शफात करूंगा, लेकिन खत्म नबूवत के गद्दारों और कादियानियों के यारों की शफात नहीं होगी। इसीलिए कलंदर लाहौरी भी फरमा गए थे कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। सब पे निगाहों
सबको ये आता हो, सब पढ़े रोजे पे जाकर सलावा। आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, सल्लल्लाहु अला हबीबे सैयदना मुहम्मद अलैहि व सहाबे मुबारक वसल्लम। या अल्लाह रहम फरमा मुस्तफ़ा के वास्ते, या रसूल अल्लाह करम कीजिए खुदा के वास्ते, मुश्किलें हल करें शाह मुश्किल कुशा के वास्ते, कर बलाएं रद शहीद कर बला के वास्ते। या रसूल अल्लाह ने गाय करम फरमाए, सरकार को सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए, इन्हें सेहत तंदुरुस्ती वाली लंबी जिंदगी अता फरमाए, इनकी सारी आल औलाद खानदान पाक की खैर फरमाए, उम्र लग जाए मेरी मेरे पीर को, इनका सब घराना सलामत रहे, और तमाम दोस्तों को वो जज्बा अता फरमाए को साईं बाबा की खुशनुदी के लिए तकरीरें फरमाए। अल्लाह ताला सब की मदद फरमाए। अच्छा, ऐसी एक हदीस नहीं पढ़ी जी सर? जरूर रेत के बराबर जी सरकार हूँ, या कसम उठाता हूँ। अल्लाह ताला ने घर कर दे मोहम्मद वाले ही बात हो गई भाई ब्रह्म।